दोस्तों हेलो हाउ आर यू एंड अस्सलाम वालेकुम, सर से काल नमस्कार। आज हम बैठे हैं गोल्डन आई स्टूडियो और हमारा चैनल है गोल्डन आई ट्रू और गोल्डन आई स्टूडियो। तो और महमूद खान मेरा व्लॉग्स है, तो सबसे पहले तो आप बेल दबाएं और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल्स को। और मैं आपको आज तारुफ करा रहा हूँ जो हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं, मुझे तो आप देखते भी रहते हैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठ के और भी डायरेक्टर के तौर पर सब पे। मैं आज आपको ऐसे राइटर से मिलवा रहा हूँ, ऐसे एक आदमी से मिलवा रहा हूँ जिसका सिर्फ आपने नाम सुना होगा और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में उन्होंने लिखा है, किसी ने उनको कुछ नहीं बताया और नहीं पता चला होगा जो पर्दे के पीछे लोग रहते हैं। मैं आपको हमेशा उनके तारुफ कराता हूँ, तो आज मैं करा रहा हूँ तारुफ आपका जनाब हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब अमीन बादशाह साहब। आपने एक कवाली सुनी होगी और एक गाना सुना होगा, तेरा दीदार करूं। तो तेरा दीदार करूं फेम राइटर हैं जनाब अमीन बादशाह साहब, और उस गाने को गाया था जनाब ताहिर साहब, ताहिर चिश्ती साहब ने। तो मैं आज आपसे मिलवा रहा हूं जनाब अमीन बादशाह साहब से। तो अमीन बादशाह साहब आपका इस्तकबाल है हमारे गोल्डन स्टूडियो में, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस गाने के लिए तेरा दीदार करूं, वो बहुत मकबूल पाया और उसका म्यूज़िक किया था जनाब सतीश अर्पित साहब ने, सिंगिंग की थी, जो गाया था वो ताहिर चिश्ती साहब थे, म्यूज़िक आप राइटर अमीन बादशाह साहब हैं उसके। ऐसे बहुत सारे कलाम हैं अमीन बादशाह साहब के हमारे पास और हमने रिकॉर्ड किए जैसे और भी कर रहे हैं हम लोग। तो आज अमीन बादशाह साहब हमारे साथ बैठे हैं, तो आइए मुलाकात करते हैं जनाब अमीन बादशाह साहब। आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं अमीन बादशाह, एक मामूली राइटर, और मैं मुजफ्फरपुर बिहार से इनकी कंपनी में आया हूं। शुक्रिया। और इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, इन्होंने मुझे जो दो गाने लिखवाए, तेरा दीदार करूं और मोहब्बत की हो तो जानो, मुझे बहुत पसंद थे। इसकी जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए मैंने बड़ी मेहनत से इसको लिखा, और जनाब ताहिर चिश्ती साहब ने भी बहुत खूब गाया है, लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी कंपनी गोल्डन आई दिन दूनी रात चौगुनी और तरक्की करे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और मुझसे जहाँ तक होगा इस कंपनी की मैं खिदमत करता रहूँगा, और मैं जनाब महमूद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे इन्होंने मुझे एजाज दिया और ये ओहदा मुझे दिया। मैं एक मामूली राइटर अमीन बादशाह हूँ, और नहीं सबसे ज्यादा तारीफ उस मालिक की है जिसने हम सभी आप लोगों को बनाया है, और इससे ज्यादा मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं जो मैं कहूँगा। मैं आज आपको इस गाने की स्टोरी बताना चाहता हूँ, ये गाना कैसे बना और क्यों बना, क्या था। अमीन बादशाह साहब उसके लिए मुझे बहुत नाराज़ हुए थे ये जब मैंने आके किया। एक्चुअली मैं रात को 11 बजे कहीं पर गया था, किसी के कोई हमारे पास आए हुए थे कोई जनाब, मैं उनको छोड़ने गया था, और वापस जब आया पता नहीं मेरी ज़बान पर कहाँ से वो तेरा दीदार करूँ तेरा दीदार करूँ आ गया। और मैंने आते आते इनको कहा कि आप तेरा दीदार करूं लिखिए और मुझे हर जगह तेरा दीदार करूं चाहिए, जहां भी ओपन क्रॉस लाइन आए तेरा दीदार करूं आए। तो इन्होंने मुझे बड़ी ज़ोर से डांटा था उस वक्त और कहा था कि तुम कहीं से भी कुछ भी आके बोल दोगे और मैं लिख दूंगा उसको, और ये क्या है तेरा दीदार करूं वगैरह वगैरह, इन्होंने मुझे बहुत तरीके से डांटा था। तो वो इतना एजाज़ हुआ, आज वो मकबूल हुआ, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अमीन साहब और अल्लाह इनकी उम्र दराज करे, और हमारा बहुत प्यार और बहुत अजीज़ हैं हमारे लिए, हम इनसे तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं उस गाने के लिए, और अल्लाह आपको खूब ऐसे इनायत दे और खूब आपको तरक्की भी दे आमीन, और आपकी उम्र दराज करे। ये उस गाने का वाकया था, और एक वाकया इस गाने के साथ और हुआ था, तो ताहिर साहब आपको याद है कि मैंने वो मैटर फाड़ दिया था तेरा दीदार करूँ, ताहिर साहब ने कुछ ऐसी बात बोल दी थी स्टूडियो में, सतीश अर्पित जी भी थे वहाँ पर, और हमारे सतीश अर्पित साहब के साथ बहुत अच्छे रिलेशन, हमारे 15 साल से हम कम से कम साथ करते हैं दोनों लोग काम, वो हमारे बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर रहे हैं अब तक जितना भी हमने किया उनके साथ। तो सतीश जी के लिए भी थैंक यू वेरी मच उस गाने के लिए, और क्या सब गानों के लिए, और ख़ास तौर से अमीन साहब वो मैटर जो तफाड़ा था मैंने
जब मैं वो गाना हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे और मैं बाहर बैठा हुआ था, तो क्योंकि ताहिर साहब हमेशा उस गाने को जब गा रहे थे, पहला उनका कैसेट था ये, उससे पहले भी उन्होंने गाया था हमारे लिए, पर पहला वो कैसेट कवाली आप कर रहे थे, वो अपने उस्तादों के साथ गाते थे वाक्या या कवाली जो गाते थे, वो एक ही रिदम उनका गहरवा होता था और उसी पे वो गाने लगते थे, और हमने कुछ अलग किया तो उनके एक ढोलक वाले थे, मुझे नाम उनका याद नहीं, उन्होंने कहा कि आपने क्या गा दिया ये, इसे कौन पसंद करेगा, तो ताहिर साहब ने तो कुछ नहीं कहा था उस वक्त, पर उसमें एक लफ्ज़ उन्होंने अदा किया था कि कह रहे यार हम लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के लिए करेंगे कलाम, और बदायूं में जो पीर हैं वो छोटी दरगाहें हैं, छोटे मोटे हैं, उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, उस गुस्से में आके मैंने वो मैटर फाड़ दिया था और ताहिर साहब को भी बाहर निकाल दिया था, आप उस बात के गवाह हैं, आपको याद है वो वाकया? बिल्कुल याद है, मुझे अच्छी तरह याद है। मेरे साथ बुजुर्गों की दुआएं रही हैं, मरहूम अजीज नाजा मैं उनका चहीता शागिर्द हूँ, और जी उनकी दुआएं मेरे उस्ताद, बहुत से उस्ताद हैं और सभी उस्तादों की दुआएं मेरे साथ हैं, और ये मेरे कलम में जो रोशनी अल्लाह ने अता की है ये परवरदिगार का करम है, और मैं इनसे आप हजरात से भी मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे लिए दुआ करें और ज़्यादा मेरे कलम में रोशनी आए। और अब अपने चैनल के लिए गोल्डन आई ट्रू के लिए सबको बोलिए कि वो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, और गोल्डन आई स्टूडियो भी, और मेरा आपका अपना महमूद खान व्लॉग है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट्स ज़रूर किया करें, हमें बताया करें कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं और कहाँ सही कर रहे हैं। तो अमीन बादशाह साहब, आप हमारे साथ कम से कम 2005 से आप मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे मिले थे फर्स्ट टाइम आप, आपको मेरा हमारी कंपनी में सिंगर के साथ भी और राइटर के साथ भी हमारा कैसे रिलेशन रहता है, कि हम लोग कैसे आपको साथ सपोर्ट करते हैं, आप हमें कैसे सपोर्ट करते हैं? बहुत अच्छी रिलेशन है आपके साथ, आपने बिल्कुल कंपनी को मिलकर के काम किया है और ये काम मिलकर के ही होने का है, एक ग्रुप का है हमारा ये गोल्डन आई ग्रुप। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार से कि ये पूरी दुनिया के अंदर इसकी तरक्की हो और सब जगह इसकी इसकी तारीफें हों और ये तरक्की दिन ब दिन तरक्की करता चला जाए, ये मेरी दुआ है। आज का इंटरव्यू यहीं ख़त्म करते हैं, और इसके बाद आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और कमेंट्स कर लें, लाइक करें, शेयर करें। तो अमीन साहब आज के लिए अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अल्लाह अस्सलाम हाफिज़, वरहमतुल्लाह, सबा खैर। सब